त्योहारों का सीजन आ गया है और त्योहारों की शुरुआत ही मिठाइयों के साथ होती है। और जब बात मिठाइयों की हो तो नारियल के लड्डू का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम बनाएंगे एकदम नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले नारियल के लड्डू एकदम मार्केट स्टाइल में और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इसके लिए आपको ना किसी मावा की ज़रूरत है ना कंडेंस मिल्क की। आज हम एकदम सिंपल तरीके से नारियल के लड्डू बनाएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप नारियल का बूरा, 1/2 कप चीनी, 1 कप दूध। दूध यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। आप नारियल के बूरे की जगह ताज़ा नारियल भी किसका ले सकते हैं। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी को गर्म होने के लिए रख देंगे और जैसे ही घी अच्छे से गर्म होगा हम इसके अंदर नारियल का बूरा डाल देंगे और उसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, घी की क्वांटिटी का आप ध्यान रखें और इसे लगातार चलाते रहें। हमें नारियल का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसे कुक करना है। नारियल के लड्डू को आप किसी भी तीज त्यौहार व्रत पूजा के लिए बनाकर रख सकते हैं या फिर आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इंस्टेंट ये लड्डू बनाकर रख सकते हैं। और ये देखिए नारियल अच्छे से कुक हो गया है, तो अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे नारियल के साथ। यहाँ पर ये देखिए नारियल और दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें तब तक कुक करेंगे जब तक कि नारियल पूरे दूध को सोख ना कर ले अच्छे से, और इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए नारियल ने सारा दूध सोख कर लिया है और यहाँ पर नारियल अच्छे से कुक हो गया है और सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी और उसे अच्छे से नारियल के साथ मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे हम चीनी को नारियल के साथ मिक्स करते जाएंगे ये इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये एकदम लिक्विडी होता जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नारियल का टेक्सचर एकदम लिक्विडी हो गया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक कि नारियल चीनी का सारा पानी अपने अंदर सोख ना कर ले और इसका टेक्सचर चेंज ना हो जाए। ये देखिए नारियल का टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है, इसने चीनी का सारा पानी सोख कर लिया है और यहाँ पर नारियल अच्छे से कुक हो गया है। और आप देख सकते हैं अभी ये कढ़ाई के तले से भी नहीं चिपक रहा है। तो इस स्टेज पर अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि हमारे नारियल का मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए एकदम रेडी है। और इसे एक प्लेट में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। एकदम ठंडा नहीं करना है, बस लड्डू बन सके इतना ही ठंडा करना है। नारियल का मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम अपने हाथ को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और एक स्पून से मिक्सचर लेकर उसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू का साइज और शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और लड्डू बनने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा नारियल का बूरा लिया है, इसमें हम नारियल के लड्डू को अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा नारियल का लड्डू। इसी तरीके से हम सारे नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। है ना कितना आसान इन लड्डुओं को बनाना, क्योंकि इसके लिए ना आपको चाशनी बनानी है, ना मावा, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर में रखे बेसिक से सामान के साथ ये आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आप इन्हें किसी भी तीज त्यौहार व्रत या फिर पार्टी के लिए बनाकर रख लीजिए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको आज की ये लड्डुओं की आसान सी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें।